मित्रों, पिछले जन्म में कौन थे पितामह भीष्म और किसने दिया था उन्हें मनुष्य रूप में जन्म लेने का श्राप? दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि पितामह भीष्म पुनर्जन्म में कौन थे और उन्हें मनुष्य रूप में अवतार लेना क्यों पड़ा और वे क्यों आजीवन ब्रह्मचारी रहे। दोस्तों, महाभारत के आदि पर्व के अनुसार एक बार प्रथु आदि वसु यानी एक प्रकार के देवता अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर घूम रहे थे। वहां ऋषि वशिष्ठ का आश्रम था। एक वसु पत्नी की दृष्टि ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में बंधी नंदिनी गाय पर पड़ गई। उसने अपने पत्नी को गो नामक वसु को दिखाया तथा कहा कि यह अपनी गाय सखियों के लिए चाहती है। पत्नी के मानकर वो घो अपने भाइयों के साथ उस गाय का हरण कर लिया। जब महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम गए तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से सारी बात जान ली। क्रोधित होकर ऋषि ने वसु को मनुष्य होने में जन्म लेने का श्राप दे दिया। जब सभी वसु ऋषि वृष्टि से क्षमा मांगने आए तो ऋषि ने कहा कि तुम सभी वसु को तो शीघ्र ही मनुष्य होने से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन उस घो नामक वसु को अपने कर्म भोगने के लिए आजीवन पृथ्वी लोक में रहना पड़ेगा और ब्रह्मचारी के रूप में जीवन बिताना होगा। और महाभारत के अनुसार घो नामक वसु ने गंगा पुत्र भीष्म के रूप में जन्म लिया था और भीष्म का नाम देवव्रत था। उनके पिता का नाम शांतनु था। पिता की इच्छा पूरी करने के लिए देवव्रत ने आजीवन ब्रह्मचार रहकर हस्तिनापुर की सेवा करने की भीषण प्रतिज्ञा की। इसी के चलते उनका नाम भीष्म प्रसिद्ध हुआ। ऋषि वशिष्ठ के श्राप के प्रभाव से वे लंबे समय तक पृथ्वी पर रहे तथा अंत में इच्छा मृत्यु को प्राप्त हुए।